सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी हैं मस्त। ठीक है, तो करते हैं दिन की शुरुआत एक अच्छी सुबह से। तो मैं दिखाती हूँ आपको सामने का व्यू। और फिलहाल आज हम जा रहे हैं सोमेश्वर, जो हमारे गांव की मेन मार्केट है, क्योंकि बुआ को कुछ सामान लेना है और बेड भी लेना है। तो चलते हैं, चले, ये नहीं जा रहा आज, तो आज ही परेशान भी नहीं करेगा। ठीक है, जाए हम, जाए हम। और रोड में आ गई है गाड़ी और मैं हो रही हूँ यहाँ पर लेट। बुआ पहुँच गई है रोड में, चाह रही हूँ हमें चले। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय बाय, चला जा, बाय बाय, मिलते हैं। ठीक है, बाय दीपा। वो छुप गई कैमरा देखते ही। तो अब हम जा रहे हैं रोड में, क्योंकि रोड में आ गई है गाड़ी। तो यहाँ बज रहे हैं 9 और यहाँ इनके लोग की है दिन, और यहाँ पर सब खेती कर रहे हैं, मेरे अगल बगल सब खेती करते हैं, और बुआ की है मेरे लिए आगे। तो लगा बुआ मेरे से आगे पहुंच गई थी, पर ये आगे नहीं पहुंच पाई क्योंकि ये बात करने में बिजी हो गई थी। तो ये पहाड़ियों की तरह ना रुक जाती है जहाँ तहाँ पा बात करने के लिए। क्यों कर ली तुमने बात, क्या देख दी बाल लगने चको, क्या देख दी? ओ भाई साहब, तो लोग ध्यान से रहे। तो हम जा रहे हैं उसकुना से सोमेश्वर की ओर। ठीक है, चले। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया था, तो मेरे को बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा। तो फिर मैंने फिर डिलीट करने का मन भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि देखते हैं क्या करते हैं। फिर मैंने उसको अब जाके मैंने उसे डिलीट करा, फिर जाके मुझे मैंने उसे दोबारा एडिट करा। दोबारा एडिट करने का तो अब जाके मैंने दोबारा से अपलोड के लिए लगा रखा है, क्योंकि ऐसे कि गाँव में फिर नेट भी नहीं चलता। फिर मैंने एयरटेल की सिम ली, अब एयरटेल की सिम में भी नेट चल रहा है पर बहुत जल्दी यूज़ हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, फिर मुझे एक्स्ट्रा पैक करवाना पड़ रहा है। तो अब देखते, अब आता नहीं आता कॉपीराइट क्लेम, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि तुम इतने मतलब इतने उससे एडिट कर रहे हो और फिर उसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाए, तो दुख तो होता है। तो कोई नहीं, बट उसमें मैंने ऐसे कुछ सॉन्ग भी नहीं लगाया था कि कॉपीराइट क्लेम आ जाए। आई थिंक उसमें मैं अंदर टीवी चल रहा था तो उससे छोटी सी क्लिप आई थिंक उसने कैच कर ली थी, इसलिए उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया। बट नो इश्यू, मैंने दोबारा अपलोड के लिए डाल दिया है। और बुआ लोग वहाँ बैठे हुए हैं उसके उसमें ताकि धूप ना लगे। तो फिर आज हम जा रहे हैं सोमेश्वर मार्केट, जो मेरे गांव की मेन मार्केट है। बुआ को वहाँ से लेना है बेड, और हम थोड़ा कुछ वहाँ पर खा भी लेंगे, मोमोज वोमोज। तो स्टे ट्यून, चलते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको। ओके, जा रहे हैं हम सोमेश्वर। और चाचा जी फोन आ गया कि कब आओगे कब आओगे, मम्मी भाई फोन आ रहा, मम्मी बोल रही मैं तो जा रही तू आती रही। मैंने कहा मैं आ कहाँ रही हूँ, गाँव मैं तो सोमेश्वर जा रही हूँ। और फिर चाचा का फोन आ गया कि जल्दी आओ, तो अब हम जा रहे हैं। और यहाँ पर शेर से बच्चा जिसका नाम है चिराग, वो उससे बात करने लग गई है। चलते हैं सोमेश्वर, मिलते हैं डायरेक्ट सोमेश्वर में। ठीक है, चलो। तो हम पहुँच गए हैं सोमेश्वर, जो हमारे गांव की मेन मार्केट है। तो हम पहुंच गए हैं सोमेश्वर मार्केट, जो हमारे गांव की मेन मार्केट है। और बुआ रुकी है उनको पैसा देने के लिए, गाड़ी वालों को। और अभी सपना भी आएगी तो हम सपना का भी वेट कर रहे हैं थोड़ा। और चाचा पहले ही दुकान पर पहुंच गए हैं, तो अब हम चाचा के पास जाएंगे। तो हम जा रहे हैं भचड़गांव वाले रोड पे, और यहीं से मेरी मौसी का घर भी आता है, छोटी वाली मौसी का घर। तो चाचा ने बोला कि सबसे एंड पे आ जाना, जहाँ पर पुल आता है मैं वहीं पे मिलूँगा। तो हम जा रहे हैं चाचा के पास,
चले हिटू बुआ चलो। तो ये है माँ मालिका एक एक ग्रिल फर्नीचर। तो मेरे चाचा यहीं पे ही हैं और हम यहीं से बैठ लेने वाले हैं, मतलब बुआ। तो ये है मेरे चाचा। हेलो चाचा, चाचा पहला पहला कशा ठीक है। और ये है वो शॉप जहाँ से बुआ बेड लेने वाली है। यहीं से लेने वाली ना बुआ बेड? हाँ यहीं से लेनी है बेड। ये वाले शीश वाले शीशने वाला फोटो। तो यहाँ हो रहा है सिलेक्शन कि कौन सा बेड लिया जाए। इट्स टू डिफिकल्ट। थोड़ा सा उसी बड़ी छू दे वाला भले लागो। और एक ऐसा है और एक वैसा है। चूज करो कौन सा चाहिए आपको। 20 वाला को देख। 20 वाला को नसीब है। ये वाले हां देखो इधर मेरे को निकालो। हैं हम। और ये है चाचा। एक तो ये डिजाइन है नॉर्मल है डिजाइन। ये फॉर्म आप देख लो भाई। ये ड्रॉअर वाले में और ये डिजाइन पसंद आ रहा है। हमला बोलो। तो यहाँ मिल गए हमारे गांव के बहुत सारे लोग। जैसे कि मेरे बुबू भी मिल गए मुझे यहाँ पर, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये फेवरेट हाय बोल रहे हैं। ये है चाचा। तो यहाँ हमने कर लिया डिसाइड बेड कि हमें कौन सा बेड लेना है। तो सिंपल बेड तो था थोड़ा सस्ता, तो बुआ को लेना था सिरान वाला। सिरान वाला समझ रहे हो, जो पीछे से होता है एकदम अच्छा था स्टाइल वाला। तो बुआ ने ले रखा है, बुआ ने सेलेक्ट कर लिया बेड। फिलहाल तो यहाँ पर रेट लग रहे हैं। तो यहाँ लग रहा है हिसाब लोगों का, इतने का लगाओ इतने का लगाओ इतने का लगाओ। बट अब फाइनल हो गया है, अब हम ले रहे हैं यहाँ से बेड। और बुआ जा रही है उसको ना, और मैं जाऊँगी अपने गाँव। और ये देते हैं पैसे बुआ की खुशी। बुआ कैसे लग रहा है आपको बेड लेकर? तेज बोलो। अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ ले लिया बुआ ने बेड। अभी बेड हो रहा है ऊपर शिफ्ट। अब सीधे डायरेक्ट उतरेगा उस कोना। यहाँ बुआ के रिश्तेदारी निकल गई है, बुआ के जमाई लगते हैं। तो बुआ क्या क्या कहना है, फ्री में ले जा रहे हो? कम बता रहा है, 1000 रुपए तो कम बता दूंगे रिश्तेदारी में। तो अभी आ रही है सपना और ये उनके लगते हैं देवर। देवर लगते हैं ना इनके सपना के। हाँ। हो गया ऑल सेट। चलो बुआ बैठो और जाओ पार्टी देके जाना। क्या चलो फिर इनको मोमोज लो, पैसे दो। डबल निकालो, डबल पहली डबल पहली जियो डबल 500 नोट। तो हमने यहाँ से ले लिया है बेड और यहाँ पर फर्नीचर। आपको जितने फर्नीचर लेने हैं आप यहाँ पर आ सकते हो, आपको एकदम मतलब सही रेट में मिल जाएंगे। आई होप आप यहाँ पर आइए और सामान लीजिए। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। हाँ तो इन्होंने मेरे मोमोज के लिए बता दिया है। तो अगर आपको कुछ भी फर्नीचर या फर्नीचर कुछ भी सामान लेना हो तो आप माँ मालिका एक एक ग्रिल फर्नीचर पे आ सकते हैं, ठीक है। तो हम जा रहे हैं मोमोज लेने, चले लेट्स गो। तो हम अब बुआ ने ले लिया है बेड और बुआ देने जा रही है हमें पार्टी। पार्टी कुछ नहीं बेटा, सब पैसे हो गए खत्म। तो बुआ मोमोज को देने जा रही है पार्टी क्योंकि बुआ ने लिया है नया बेड। तो अब हम जा रहे हैं मोमोज लेने और हमने बेड तो ले लिया है। तो चाचा उसे सेट वेट करा के ला रहे हैं, तब तक हम चाचा ने बोला जब मोमोज ले और बाकी चाप वहाँ से। तो पार्टी वो तो पार्टी दे ही रही है और सपना भी आ रही है। पार्टी वार्टी कुछ नहीं है देख रहे हो बेड लेने का तो पार्टी वार्टी कुछ ही नहीं है बस। और जबकि वहाँ बुआ की रिश्तेदारी भी निकल गई थी, देख रहे हो रिश्तेदारी होने का फायदा। तो और उधर आगे सपना, हाँ बेटी आगे सपना। तो हम जा रहे हैं मोमोज खाने। तो ये है मेरी बहन दीपेला। तो यहाँ आ गए सपना। कैसी है तू है? कैसी है तू? हम कैसी हूं? हम तेरे देवर के वहाँ गए थे बेड लेने। इधर भरत मिलाओ, माँ बेटी मिलाओ, मतलब माँ बेटी। तो हम आए हैं चिलीज रेस्टोरेंट पे, हमने यहाँ ऑर्डर करे हैं मोमोज।
क्योंकि चाचा के लड़के ने बोला था कि मोमोज लाना, तो मैंने उसके लिए मोमोज ऑर्डर करे हैं। और हमारे यहाँ पर आई है चाउमीन, तो मुझे इनका सर्व करने का सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। आओ मत बुआ, आ जाओ, लेट्स ईट। इसको तो खाना नहीं है क्योंकि इसका न्यू बेबी और खाए, तो उसको ये सब अलाउड नहीं है, तो आप हमें खाली देखना। ओके, तो यहाँ हमने कर दिया फिनिश और हम जा रहे हैं अपने गांव को। बुआ जाएगी अपने गांव, मैं जाऊंगी अपने गांव, और हमारा वो भी गया है पैक, तो चलते हैं। आप करिए शॉपिंग, बाय बाय। ओके, तो ये भूपेंद्र सिंह एंड थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे हो रहे थे चाउमीन और मोमोज, हम बता देंगे रिव्यू। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, लेट्स गो। चलो तो सोमेश्वर में गाड़ी ऐसे खड़ी होती है लाइन वाली, मतलब नंबर आता रहता है लोगों का। और ये आ रही है बस, क्योंकि हमने कर दिया बहुत ज़्यादा लेट मोमोज चाउमीन खाने में, और बुआ का लग रहा है डर की बुआ चाचा समकाएंगे, तो ये नहीं बड़ी गाड़ी, चलो तो हम जा रहे हैं। चलो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपने गांव। सो मैं रेटीधार से नहीं, मैं जाऊंगी दाड़िम कोला से, सो चाचा के साथ लेट्स गो। तो अब हम जा रहे हैं रेटीधार से गाँव की ओर, और मुझे मिल गई है अम्मा, और ये अम्मा मेरी गाँव की, और मुझे मैंने बोला ये अम्मा तो मुझे देखी देखी जैसी लग रही है, पर मुझे याद नहीं आया, फिर मेरे को याद आया, फिर चाचा ने बोला अम्मा के साथ जा, फिर मैं अम्मा के साथ गई, तो अम्मा मेरी दगड़ी है, पीके ने दगड़ी है, है अम्मा? हाँ। अम्मा हमारे गांव की ही है। तो फिर हम जा रहे हैं गांव की तरफ लंबे वाले रास्ते से। तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर, अम्मा ने मेरा बहुत साथ दिया ऊपर से नीचे तक आने में, मतलब गांव तक आने में। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर, और पक्का करण रंजना मिल लेना, वेट कर रहे होंगे कि कब दीदी आएगी, कब मोमो चाउमीन लेके आएगी। ताओ जी पहला। तो मैं पहुंच गई अपने घर फाइनली, तो मैं ऊपर नहीं, पहले मैं नीचे जाऊंगी चाचा लोग के वहाँ, क्यों पहले चाचा लोग के वहाँ दर्शन देने जरूरी होते हैं। चलो करण, हो खोल। तो मैं पहुंच गई हूँ घर, और यहाँ चाची और की लंपा सर, कैसे हो चाची, हड़ हो सी रहे हो, और ये है रंजना। रंजना तू रेडी हो रही है? मैं तो नामकरण के लिए जाओ। मम्मी कहाँ? तो मैंने बोला था ना मैं जैसे ही जाऊंगी सब टूट पड़ेंगे, और मैंने जैसे यहाँ पर सामान रखा चाची तो स्टार्ट भी हो गई। तो अब आ गई मैं अपने घर, और मैं जैसे आ रही थी तो मैंने देखा मम्मी यहाँ पर लीप रही है गोबर से, अंदर तो हमारा सीमेंट का है, यहाँ पर भी सीमेंट का था पर ये टूट गया अब, तो मम्मी यहाँ पर अब गोबर से लीप रही है। गुड मम्मी, गुड, लीपो लीपो, मुझे घर शुद्ध गाय का गोबर है, गौ माता का गोबर। हाँ सुन लो, इससे लीपते हैं हम घर को, इससे घर शुद्ध हो जाता है। हाँ, इससे घर शुद्ध होता है, जो पूजा पाठ में भी काम आता है गाय का गोबर। अरे नहीं रुक जा, ताई जी पहला।
अभी रुक, मैं मम्मी ने उड़े तो हम जा रहे हैं। तो मैं तो हमारे गांव में है नामकरण, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब यहाँ पर लोग कैसे, मतलब हमारे गांव में अभी भी लोग कैसे बाल्टी लेके जाते हैं खाना लेने के लिए। तो मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर लोग सब शर्मा रहे हैं। तो हमारे गांव में है किसी का नामकरण पार खाओ, तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे गांव में अभी भी लोग, तो मतलब वही रीति रिवाज चलता हुआ आ रहा है कि यहाँ पर मतलब बाल्टी लेके जाते हैं खाना लेने के लिए घर के लिए, सब वहाँ खाते नहीं है मतलब यहाँ से लेके जाते हैं। तो मैं दिखाती हूँ कि लोग कैसे लेके जाते हैं, ठीक है ना। और ये है मेरी फ्रेंड जो शर्मा रही है, और उधर आ रही है मेरी मम्मी, और वो है अम्मा, और वो है दूसरी अम्मा। चले अम्मा हिटो। तो हम यहाँ लेके जा रहे हैं बाल्टी, तो हम यहाँ सारे लोग लेके जा रहे हैं बाल्टी खाना खान लेने के लिए, और मैं भी जा रही हूँ पहली बार। चलो सबने ले लिया है खाना, और मैंने भी ले लिया है। तो अब सब जा रहे हैं घर को, और ये हमारी गार्ड। तो अब मैं कर रही हूँ वीडियो एंड, हम सबने कर लिया है लंच, और मैंने दिखाया जैसे कि नामकरण में लोग यहाँ पर कैसे बाल्टी लेकर खाना लेने जाते हैं अभी भी, वो मतलब वो रिवाज चलते हुए आ रहा है। तो यहाँ करते थे हम वीडियो एंड। आई होप आप सभी को हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना जिन्होंने नहीं करा है, और बेल आइकन बटन दबाना भी एंड बेल आइकन बटन भी दबा देना जिन्होंने नहीं दबाया, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। पहले इसको ठिंगा बोलते थे, हम लाइक बोलते हैं। तो फिर यहाँ कर देते हैं वीडियो एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।